रायपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री ने दिए सभी कलेक्टरों को निर्देश, जिसमें ओले से फसल नुकसान के आकलन करने का निर्देश दिया गया है। पीड़ितों को राहत पहुंचाने के सीएम के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आंधी तूफान से बेघर हुए 6 परिवारों को राहत मिली है। आपको बता दें कि सीएम निर्देश पर पीड़ित परिवारों को छात्रावास में रोका गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा बता, सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कलेक्टरों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, कलेक्टरों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी बारिश से फसलों का जो नुकसान हुआ है, ओला से जितने भी फसल नुकसान हुए हैं, उनका मुआवजा जो राशि है वो प्रदान की जाए। क्योंकि एक तो लॉकडाउन के बीच में वैसे भी किसानों की जो स्थिति है वो वैसे भी दयनीय बनी हुई है, और ऐसे में यदि बेमौसम बारिश के यदि उनके फसलों का नुकसान होता है तो मुआवजा देना जो है वो स्वाभाविक सी बात है। और मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना का तो संकट है ही, और इस वजह से लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की वजह से किसान जो है वो अपना काम, रोजमर्रा के जो काम है वो पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। और इस तरीके से अगर बेमौसम बारिश होती है और यदि उसका फसल का नुकसान होता है तो उन्हें मुआवजा की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि कल ही छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान के साथ ओले गिरे हैं, और साथ ही ओले के साथ ही पेड़ जो है काफी सारे जगहों के पेड़ भी जो गिरे हैं, तो इस तरीके से फसल जो है उनका भी नुकसान किसानों को काफी हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। और उज्जैन से